कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.6 अध्याय 20 प्रायिकता। कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्तियों को यादृच्छिक चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? यह मान ले कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो देखे जरा, माना इवन, इसमें भी हम माना कि क्या इवन पुरुष चुनने की घटना, माना इवन क्या है पुरुष चुनने की घटना है, A2 महिला चुनने की घटना। E2 बराबर इसे हमारे पास है क्या, महिला चुनने की क्या है घटना है, और E हमारे पास है सफेद बाल वाले व्यक्तियों के चयन की घटना। वाले क्या व्यक्ति के चयन की घटना, यहां P1 क्योंकि दोनों 50% बराबर है, तो P1 का मान और P2 का मान ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और इन दोनों की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। अब P(e)(e1) ये दिया है, P(e)(e1) बराबर इसे सफेद बाल वाले पुरुष, सफेद बाल वाले क्या पुरुष को चुनने की प्रायिकता को, चुनने की क्या लिख रहे हैं प्रायिकता, तो इस सफेद बाल वाले पुरुष को चुनने की प्रायिकता है 5/100। हमारे पास दिया था कि 5% P(e)(e2) ये क्या है सफेद बाल वाली किसे महिला को चुनने की प्रायिकता, चुनने की प्रायिकता, तो ये कितनी, ये 0.25/100 क्योंकि यहां ये कंडीशन दी थी 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल कैसे है सफेद है, इसलिए हमने P(e)(e1) में लिखा 5/100, P(e)(e2) में लिखा 0.25/100। इसलिए अब हम अभीष्ट प्रायिकता ज्ञात करेंगे, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, P(e)(e1) बराबर इसे, हमारे पास सूत्र है वो सूत्र मान रखेंगे, वो क्या है P(e)(e1) × P(e)(e1) बटे P(e)(e1) × P(e)(e1) प्लस P(e)(e2) × P(e)(e2)
ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में जब मान रखेंगे तो मान रखने पर हमको कुछ इस प्रकार से 1/2 गुणित 5/100 इनकी वैल्यू रख दी। यहाँ भी 1/2 गुणित 5/100 धन 1/2 गुणित 0.25/100। हम जानते 100 दुनी 200, 100 दुनी 200, 100 दुनी 200, ये तो कट गया, तो अंश क्या बचा 5/5 और ये 0.25, इन दोनों का योग, तो ये हो गया 5.25। 5 का जब इससे भाग देंगे या इसको कंप्लीट हल करेंगे तो ये माना जाएगा 20/21। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।